Christmas! Wish you all a Merry Christmas and a wonderful New Year ahead. Merry Christmas to all my viewers and all my friends and family of Pooja, a journey of a homemaker. Merry Christmas to all my viewers. Welcome back to the channel Pooja, a journey of a homemaker. तो आज है क्रिसमस, क्रिसमस का दिन है यानी कि बच्चों का दिन और बच्चों की बहुत सारी विशेष पूरी होने का दिन। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ आर्यन को, जो भी हम लोग आज क्रिसमस के दिन गिफ्ट करने वाले हैं, थोड़ा बहुत जो उसने विश लिस्ट बनाया था उसमें से भी है आइटम्स और थोड़ी हमारी मर्जी की आइटम्स है। तो थोड़ी बहुत गिफ्ट्स मैंने इकट्ठा की है, पिछले कितने दिनों से वो आ रही थी बट मैं उसको बाहर ही रख रही थी, सैनिटाइजेशन की प्रोसीजर है। तो आज अब मैं उसको अभी दिखाऊंगी सारी गिफ्ट्स जो भी हम लोगों ने उसके लिए मंगवाई है अमेजोन और मिंत्रा से। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए, बिकॉज वो कब से वेट कर रहा है ये दिन का कि कब ये दिन आए और मैं ये सारी गिफ्ट्स ओपन करूं, राइट? आर यू एक्साइटेड? यस, लेट्स स्टार्ट। और एक चीज आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि लास्ट मेरे वीडियो को इतना सारा अप्रिसिएशन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आगे बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है। और आप लोगों को अगर मेरे प्रीवियस वीडियोज भी चेक करने हैं, यू गो एंड चेक दैट वीडियोज। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू। और आप लोगों ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन आल्सो। इस बार बहुत सारा प्लान भी था कि क्रिसमस ट्री लाएंगे और कुछ अलग तरीके से इस बार का क्रिसमस हम सेलिब्रेट करेंगे, बट ठीक है, नेक्स्ट ईयर में ये सब करने वाली हूँ। सो तब तक आप लोग सब मेरे से जुड़े रहिएगा और ये बार विदाउट क्रिसमस ट्री भी हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर ही सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, आर्यन की गिफ्ट्स उसको देने का टाइम आ गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछले 15 दिनों में बहुत सारी चीजें ऑर्डर की है मिंत्रा से, नॉट ओनली फॉर आर्यन बट फॉर मी एंड फॉर प्रसाद ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत सारी चीजों को मैंने अलग करके रखा है। तो मेरी जो चीजें हैं वो मैं अभी आप लोगों को नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि उसका अलग से मैं मिंत्रा का हॉल बनाने वाली हूँ, तो उसमें सारे हम लेडीज के जो भी मैंने क्लोथ्स ऑर्डर किए हैं वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मेरे इसमें से एक दो आइटम ऐसी है जो प्रसाद की भी है तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और बाकी की सारी आइटम आर्यन की है। और एक चीज आर्यन की आने की बाकी है, दो चीज आने की बाकी है पर वो उसको ऑलरेडी पता है कि क्या हमने ऑर्डर किया है, वो है कैरम, बड़ा वाला कैरम बोर्ड। तो वो अभी आज ही डिलीवर होने वाला है बट अभी तक वो आया नहीं है, तो इट्स ओके, जब भी वो आता है, अगर वो आज आ जाता है तो मैं वीडियो के क्लिप में वो ऐड कर दूंगी या तो फिर मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह का कैरम बोर्ड बड़ा वाला हमने ऑर्डर किया है। और एक है उसका नाइट सूट, वो भी अभी तक नहीं आया है, वो नेक्स्ट 1 or 2 days में आएगा। तो इट्स ओके, जो अभी आ गई है गिफ्ट्स वो अभी हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन से आके पड़ी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये है प्रसाद के लिए, प्रसाद के शूज ऑर्डर किए थे तो आर्यन ने सबसे पहले बड़ा बॉक्स देख के उसी को ओपन किया और वो है प्रसाद के लिए। ये है प्रसाद के लिए ऑर्डर किए हुए शूज, ये है उसका स्टंप का सेट जो कि मैंने ऑर्डर किया है। आप लोगों को पता ही है आर्यन को क्रिकेट का कितना क्रेज है,
रहा होगा बॉक्स में देखते हैं। उसकी सबसे फेवरेट चीज थी ये। तो ये एक गिफ्ट है जो मैंने ऑर्डर किया था, अभी इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है। ये एक और मिंत्रा से मैंने उसके लिए ऑर्डर किया था, ये है उसका, देख लीजिए। ये जीन्स है उसके लिए, लाइक इट। ये इस तरह से है, ज्यादा मोटा वाला मटेरियल भी नहीं है, बट है वो जीन्स का अच्छा वाला स्मूथ वाला मटेरियल जो कि उसको पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप लोगों को किसी को प्राइस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीजों की प्राइस लिख दूंगी। ये एक और चीज है जो कि मित्रा से मैंने ऑर्डर की है, इसमें है शूज। शूज मैंने उसके लिए ऑर्डर किए थे, ये ऐसे वाले शूज ऑर्डर किए हैं। लाइक इट? ये रहे उसके अच्छे वाले शूज। अभी नेक्स्ट गिफ्ट है अमेज़न से। क्या लिखा है? Love you always और enjoy from मम्मा पापा। उसको इतनी जल्दी है कि वो पूरा फाड़ के Amazon का इको जनरेशन 4 और ये हमने ऑर्डर किया है, ब्लूटूथ स्पीकर है ये और इसके साथ एलेक्सा भी है, तो बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी वाली चीज है। उसको वैसे भी पूरा दिन वो सीरी से पूछता रहता है या फिर टीवी में एलेक्सा से पूछता रहता है, तो अभी और खास करके हमने ये ऑर्डर किया उसके गानों के क्रेज के लिए क्योंकि उसको सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद है, खास करके पुराने। तो ये होप कि उसको अच्छा लगेगा और वो पूरा दिन इसके साथ एंजॉय कर पाएगा। कैसा है? दिस इज योर एलेक्सा। क्रिकेट बॉल। व्हाट क्रिकेट बॉल? ही इज सेइंग दिस इज क्रिकेट बॉल। सो एक बार पापा फिर उसको कनेक्ट करके देंगे अच्छे से, ठीक है। सो ये था उसकी अभी तक की सारी गिफ्ट्स। एक दो गिफ्ट बाकी है जैसे कि मैंने आपको बोला कैरम और उसका नाइट सूट, तो वो आएगा तो वो भी मैं आप लोगों को फिर बाद में दिखा दूंगी। बट आज ये हमारा क्रिसमस का डे तो शुरू हुआ है। ये सारी गिफ्ट्स थी जो मैंने आर्यन को हम लोग दोनों ने प्रेजेंट किया है और उसके अलावा भी बहुत सारे उसके क्लोथ्स है, या तो फिर बॉक्सर्स हो गए, नाइट सूट्स हो गए, सॉक्स हो गए या मास्क हो गए, सारी चीज़ें हम लोगों ने उसको इस बार गिफ्ट किया है। वैसे भी उसको ज़रूरत ही थी, तो उसी बहाने हम लोगों ने सोचा थी कि क्यों ना क्रिसमस पर ही ये सारी चीज़ें उसको दी जाए। तो बट वो सारी चीज़ों का ऐसा है कि सैनिटाइजेशन का रहता है, तो मैंने आ गया था तो फिर उसको वॉश कर दिया और फिर उसको अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। तो आज का व्लॉग मैं किड्स को डेडिकेट कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करूँगी जो मैंने और आर्यन ने मिलकर कल बनाई थी। और मैंने जैसे आपको पहले बोला था
कि एक रेसिपी बनी थी जो हमारी टर्न आउट नहीं हो पाई थी, उसके अलावा फिर हमने दूसरी रेसिपी बनाई थी, तो दोनों रेसिपीज में आपको थोड़ी बहुत क्लिपिंग्स शेयर कर रही हूँ, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट। ये क्लिपिंग मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको बोला कि हमारा जो मफिन्स का हमने ट्राई किया था वो बिगड़ गए थे सारे के सारे, तो ये वो दिन का है क्लिपिंग। इसमें जो मैंने गलती की थी वो मैंने आलमंड फ्लोर के बदले आलमंड ले ली थी क्रश करके, और उसकी वजह से मेरे मफिन्स बन ही नहीं पाए। फिर हमने हार नहीं मानी, नेक्स्ट डे हमने फिर से ट्राई किया प्रॉपर रेसिपी के साथ, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। इधर ले लिया है, सबसे पहले मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए कर्ड 1 कप, उसमें ऐड कर दिया है वेजिटेबल ऑयल 1/2 कप, उसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क मेड का 150 ग्राम का एक जो टीन आता है वो। वेट इंग्रेडिएंट्स को विस्कर से मैं विस्कर ले रही हूँ। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड किया है, अभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले ले रही हूँ एक बॉल, ऐड कर दिया है 1 कप होल व्हीट फ्लोर, 1/2 कप कोको पाउडर, 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा एंड हल्का सा नमक। अब उसको अच्छे से सिम कर लेना है। अभी ये टाइम पे आ गया था आर्यन, उसने किचन में एंट्री ले ली थी और फिर अभी आगे का वो ही हैंडल कर रहा है। आज देखिए आर्यन बना रहा है मफिन्स और अभी ये है किचन की हालत। देख लीजिए, इधर सब गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है, इधर भी गिरा हुआ है। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं तब तक सब कुछ माफ है। क्या बन रहा है आर्यन? मफिन्स, चॉकलेट चिप मफिन्स, और उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। एक्चुअली ये रेसिपी की शुरुआत की थी मैंने, बट फिर आ गया आर्यन और अभी ही इज टेकिंग केयर। अभी ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट में ऐड कर रहा है। बी केयरफुल। यस, वन मोर। ओके ओके, नाउ मिक्स दिस फर्स्ट। अभी क्या ऐड कर रहे हो आर्यन? चोको चिप्स। ओके, ऐड मोर, मोर, नाउ मिक्स इट वेल। अभी ये मोल्ड हमारे पास ऑलरेडी थे तो उसी में अभी आर्यन ऐड करेगा। This ball here and now you hold the mold properly, only that much, only don't put more, just put it here, one spoon only. Done. हमारे मोल्ड रेडी है बट इसमें से 3 में आर्यन अभी ऐड करेगा टूटी फ्रूटी और 3 में नहीं करेगा क्योंकि उसको खुद को टूटी फ्रूटी नहीं पसंद है, बट हमारे लिए वो 3 में ऐड कर देगा। ओके फाइन, स्प्रिंकल इट। सो ये हमारी प्लेट रेडी है और अभी इधर माइक्रोवेव भी प्रीहीट पे चला गया है।
सो जैसे ही वो हीट हो जाता है तुरंत हम रख देंगे हमारे मोल्ड्स फॉर द बेकिंग. सो हैप्पी. अभी ये जो बाकी का थोड़ा बैटर रहा है उसको ये मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसको भी बेक होने के लिए रख दूंगी. तो ये हमारा एक अच्छा वाला लोफ हो जाएगा और वो मफिन्स. वाओ, इट्स लुकिंग अमेजिंग. यू विल चेक वेदर इट्स डन और नॉट. हाउ टू चेक? नाउ चेक, इट्स केम क्लियर. सो आर्यन, मफिन्स आर रेडी एंड दिस टाइम यू आर हैप्पी राइट? How it's turned out? कैसा हुआ है आज? बहुत मस्त हुआ है. अभी चखने के बाद be careful, it is too hot. We have to give it a rest time, okay? So now what you wanted to make from this? Should loaf. We make more muffins only? Banana chocolate loaf cake. Chocolate loaf? Okay. ये उसको transfer मैंने करके दिया है क्योंकि उसको proper नहीं पाता. तो अभी वो उसमें ऐड कर रहा है वापस से बहुत सारी चॉकलेट चिप्स. बट हाँ, आर्यन के लिए सब कुछ बिकॉज अभी क्रिसमस शुरू हो गया है, वैकेशन शुरू हो गया है राइट? तो अभी एवरीडे एंजॉयमेंट है. इधर चल रहा है नूडल्स का प्रिपरेशन. मैंने ऑलरेडी स्पेगेटी निकाल के रखी है. कैप्सिकम आ गए हैं, हरा प्याज है, कैबेज नहीं है घर पे तो वो अभी प्रसाद लेके आएगा. तो बस वही चल रहा है. अभी ये बॉल्ड जाएगा सीधा माइक्रोवेव में. पुट इट, बी केयरफुल, इट इज टू हॉट फ्रॉम इनसाइड. ओके, पुट इट ऑन कन्वेक्शन 10 मिनट्स एंड स्टार्ट. या डन. नाउ यू वुड लाइक टू हैव योर मफिन. Wait. I'll give you. अभी इसके लिए मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम बनाया है. अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो प्लीज़ पुट कमेंट इन माय. इसके लिए मैंने थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम भी बनाया है. काफ़ी मेहनत के बाद बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया बट अच्छा वाला हुआ है. तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि वो किस तरह से इस पे जाएगा. ये मोल्ड्स भी मैंने मंगवाए हैं तो लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम. कैसा बना है, कैसा लग रहा है आपको? बीच में क्रैक्स आ गए. क्रैक्स तो आता है, इट इज ओके. बट फर्स्ट टाइम हमने ऐसा व्हिपिंग क्रीम वाला मफिन्स बनाया है राइट? सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. वो अभी वेट कर रहा है कि मैं कब खाऊं. या पापा का वेट करने का है? उसका वेट करना, उसके बाद ही खाएंगे. ओके, उसके पहले लोफ केक खाऊंगा. अच्छा राइट, वेरी नाइस बेटा, यू हैव डन वेरी नाइस. आर्यन, कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को लास्ट में? इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल पूजा जर्नी ऑफ अ होम मेकर. देन कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. तो बस आज का हमारा इधर का नूडल्स रेडी है डिनर का. इधर लोफ केक भी रेडी है और इधर है मफिन्स. इसमें से दो गायब है क्योंकि वो मैं और आर्यन चट कर गए हैं. तो अभी प्रसाद के लिए चाय बनेगी, वो आ गया है ऑफिस से. तो चाय के साथ वो इधर मफिन एंजॉय करेगा या तो फिर लोफ एंजॉय करेगा और ये हम लोग एंजॉय करेंगे डिनर में. अब से वैसे भी थोड़ा सा लंबा छुट्टियों जैसा ही है माहौल तो अभी हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनेगा.
तो होप कि आप लोगों को ये सारी रेसिपी अच्छी लगी होगी जो मफिन्स हमने बनाए, खास करके आर्यन ने बनाया। तो आर्यन ने बनाया है रेसिपी, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि बच्चों के लिए हम कुछ भी करते हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो जो है वो टोटली आर्यन को डेडिकेटेड है और ख़ास करके सारे बच्चों को। तो आप आज के वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिए। आपको पता ही है सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके बच्चों के साथ भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए, उन लोगों से भी कुछ ना कुछ आप रेसिपी बनाइए और क्रिसमस का डे एंजॉय कीजिए। तो उसी के साथ मैं आज का मेरा ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। किड्स स्पेशल था, किड्स के लिए था। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्प्रेड लॉट्स ऑफ लव और सेफ भी रहिए। बाय बाय।